हमारी गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा के गौरव, सन्यास परंपरा के गौरव, पूज्य श्रद्धे वंदनीय प्रातः स्मरणीय गुरुशरणानंद जी महाराज जी को प्रार्थना की कि हमारे बहुत युवक आए हुए, इनको आप आकर के आशीष दें। पूज्य महाराज श्री आए, एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है महाराज श्री को। पूज्य महाराज जी के आशीष इन नव दीक्षित सन्यासियों को दीक्षा पहले से लेकर के और दीक्षा के समय भी मिले, और अपने इस परिवार के एक आध्यात्मिक पिता, एक गुरु के रूप में उनका सदा हमें मार्गदर्शन मिलता है। पूज्य महाराज श्री नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट से आए हुए 5000 से अधिक जवान हैं, और दो चार हमारे जो राज्य प्रभारी हैं वो इनकी देखरेख के लिए हैं, बाकी 100% 35 साल से लगभग कम उम्र के सारे युवक युवतियाँ हैं। इन युवा भारत की ओर से और नेपाल से भी करीब 800 भाई बहन आए हुए हैं, उन सब की ओर से पूज्य महाराज श्री को बहुत बहुत अभिनंदन है। और हम तो महाराज इनके साथ में काफ़ी देर से सत्संग कर रहे थे, इनकी ब्रेन की डिवाइन प्रोग्रामिंग कर रहे थे। तो हमने कहा जो पहले बहुत कचरा घुसा रखा है उसको डिलीट कर दो। गुरु मृत्यु होता है, गुरु क्या होता है बोलो? गुरु भगवान के स्वरूप होते हैं, ब्रह्म स्वरूप होते हैं, वो ब्रह्मवेत्ता होते हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, लेकिन गुरु का एक रूप कहा आचार्यो मृत्युर्वरुणाः सोम औषधयः पयाः जीमूतासन सत्वान तैरी दमसरावृतम। हमारे पूज्य मुनि श्री जी भाई, एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है सबकी ओर से। हमारे मुनि जी भी बहुत स्लेम स्मार्ट हैं, ये भी हमारी साधुओं की बड़ी सेलिब्रिटी है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे पूज्य श्रद्धे चिदानंद मुनि जी महाराज जी का भी। तो मैं पूज्य महाराज श्री से कह रहा था कि पूरे देश से और नेपाल देश से भी महाराज जी अपना, जैसे यहाँ युवा भारत है वहाँ युवा नेपाल के नाम से अपना संगठन है, और करीब 25-30 हज़ार अपने कार्यकर्ता हैं, बहुत श्रद्धा से वहाँ सेवा देते हैं। और पूज्य महाराज श्री का हम सीधा आशीर्वाद पाएंगे। तो जो है एक बार पूज्य महाराज श्री के आशीषों के लिए हम उनसे अनुग्रह करते हैं। और महाराज श्री, महाराज जी क्योंकि एक छोटा सा कीर्तन तो गाते ही हैं, उसके बाद अपना आशीर्वाद देंगे। ठाकुर हमरे रमण रामण देहारी के रमण बिहारी रमण बिहारी साधु सेवा धर्म हमारी प्यारी अंतरात्माओं, हमारे अभिन्न स्वरूप, आप सबके साथ एकत्व की अनुभूति का अवसर पूज्य
योगर्षि महाराज के अनुग्रह से पूज्य मुनि जी भी लेके आए, ये प्राप्त हुआ। अब कृतज्ञता क्या व्यक्त करें। और हमको किसी नाटक में आज रमण रीति अवश्य पहुंचना है, लेकिन योगर्षि का आदेश हुआ कि आप कुछ मिनट के लिए ही आ जाओ। तो महाराज ने व्यवस्था कर दी, हम आ गए, बड़ा अच्छा हुआ। देखो बच्चों, हम प्रवचन की कई शैली होती हैं, हम समास शैली में कुछ चर्चा करें। कभी पूज्य महाराज की, मैं आप लोगों को तो, हम लोग चाहे जो भी कहें, आप लोग तो महाराज जी कह के ही संबोधित करते होंगे, नहीं करते हो तो करना चाहिए। तो गुरु मृत्यु है, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मृत्यु का तात्पर्य है जीवन। अगर बीज की मृत्यु नहीं होगी तो अंकुर की उत्पत्ति कभी संभव ही नहीं है। तो गुरु को मृत्यु मान लो या गुरु को जीवन मान लो, एक ही बात है। अच्छा, गुरु जीवन क्यों है अथवा मृत्यु क्यों है? क्योंकि आप सब लोग पढ़े लिखे हो, ये लोग तो इनमें से कई एक हमको भी पढ़ा दें, ऐसे ऐसे लोग उपलब्ध हैं जो हमको भी पढ़ा दें। तो इसलिए हम मूल मूल बात करते हैं। हमारा स्वस्थ समर्थ संस्कारवान शक्तिशाली व स्वदेशी भारत निर्माण करने का संकल्प है। इस संकल्प में गुरु बीज में कहां से आटपका, क्या जरूरत है गुरु की? हम प्रयास करेंगे, गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, हम प्रयास करें। तो प्रायः सामान्यता ये माना जाता है कि अगर हमारे कर्म पवित्र हैं, हमारी चेष्टा पवित्र हैं, हमारे आचरण पवित्र हैं, हमारे प्रयास पवित्र हैं, तो उसके फल भी पवित्र होंगे, इसमें कोई संदेह, हम भी स्वीकार करें। लेकिन ये बात उतनी सरल नहीं है माय डियर। कौन सा कर्म पवित्र है और कौन सा कर्म अपवित्र है, इसका निर्णय कैसे करोगे माय डियर? भूखे को भोजन कराना ये बहुत पवित्र कर्म है, पापी से पापी व्यक्ति को भी भोजन मिलना चाहिए, ठीक। लेकिन क्या सर्वत्र किसी को भोजन दे देना पवित्र कर्म है? अगर किसी की एपेंडिसाइटिस की सर्जरी हो और भूख बहुत लगती है उसके बाद, और उसको अगर आपने भोजन दिया, तो वो पवित्र कर्म होगा या पवित्र कर्म होगा? मरेगा। प्यासे को पानी पिलाना ठीक है, लेकिन जिसका ये ट्रांसलाइटिस का ऑपरेशन हुआ हो उसके बाद बड़ी प्यास लगती है, हमसे पूछो उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और ऐसा प्यासा पानी मांग रहा है, और आप लोगों का अनुभव तो नहीं है, अच्छा है। सिस्टर लोग आती बड़ी स्वीटली मुस्कुराई, सिस्टर प्यास है, अभी नहीं। और भटक करके चली गई। अब ऐसा जी जलता है। और अपने निकट वाले को पानी, हाँ अभी पिलाते अभी लाते, अरे थोड़ा यही लगा दो। सब मटक करके चले जाते हैं, और उसे में कोई आ गया, हमारा जैसा गैर हमारा जैसा क्यों लगाओ, कोई एक आ गया, उन्हें कहा ले मैं ठंडी ठंडी बिस्लरी की बोतल लेके आया हूँ, ले मैं तुमको पिलाता हूँ। टॉन्सिलाइटिस के ऑपरेशन वाले को, प्यास से तड़पते हुए व्यक्ति को अगर पानी पिला दिया गया, माय डियर आप सब लोग बुद्धिमान, समझ गए? तुम्हारे को जब समाज में जाओगे, बहुत से ऐसे अवसर होंगे
प्रातीतिक रूप से अप्रिय कर्म होंगे, लेकिन उनके परिणाम अत्यंत प्रिय होंगे, और कभी कभी दृष्टवान प्रिय होंगे लेकिन उनके परिणाम अपवित्र होंगे। उस समय आपको, आप समाज के नेता बनने जा रहे हो, आपको बहुत सावधान रहना है। तो इसका निर्णय कैसे करोगे, तो उसके लिए लिखा है हमारे यहां, हमारी ही इच्छा पवित्र होनी चाहिए। हमारे मन में दूसरे के कल्याण नहीं, उसके माध्यम से आत्म कल्याण की अभीप्सा होनी चाहिए। हमारा कर्तव्य पवित्र कैसे होगा, जब हमारा संकल्प पवित्र। तो इसलिए आपका संकल्प पवित्र होना चाहिए। आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हो, हमको निसंकोच कहने में माने किसी प्रकार का बाधा नहीं दिखाई पड़ रही है। तो कई बार ऐसे कर्म करने पड़ते हैं महापुरुषों को भी और उच्च स्थित पवित्र राजनीतिज्ञों को भी, जो देखने में तो बहुत गर्हित हैं लेकिन उनके परिणाम बहुत उत्तम होते हैं। ये हमने इतिहास, चाणक्य के कर्म देखो, चाणक्य जैसा निष्प्रिय व्यक्ति इतनी पूर्ण सत्ता प्राप्त करने के बाद स्वेच्छा से जो सत्ता प्रदान कर देता है अपने अत्यंत अत्यंत बड़े शत्रु को उसके गुण के अनुसार, तो आप समझ सकते हो कि वो उतने कठोर कर्म, उतने कठोर निर्णय करने के पीछे उसकी इच्छा की पवित्रता ही मूल कारण। इसलिए हम लोगों को अपनी इच्छा को पवित्र करना पड़ेगा। अगर इच्छा पवित्र है तो हमारे कर्म अपने आप पवित्र हो जाएंगे। ये बाहर के लोग कुछ यहां तक पहुंचे, अधिकतर लोग तो बाहर के कर्म पवित्र होना चाहिए इसी तक पहुंचे हैं। उसमें मींस कैसे हो और वो कैसे हो, वो एक अलग क्वेश्चन मार्क है, लेकिन कर्म की पवित्रता से सब संतुष्ट हो गए। कुछ थोड़े से बाहर के लोग भी संकल्प की पवित्रता के बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा है, अपने यहाँ तो बहुत विशेष। लेकिन माय डियर, ये बताओ तुम्हारी इच्छा का पवित्र करने का विनिगमक कौन है? आपकी इच्छा को कौन पवित्र करेगा? हमारी इच्छा को पवित्र करने के लिए हमारा ज्ञान पवित्र होना आवश्यक है। आप सब पढ़े लिखे लोग हो, हमारे ऋषियों ने ये लिखा है। ये तो मैंने हमारी, जब से इनके शास्त्र ज्ञान की अनुभूति हमको हुई तब से तो हमको अत्यंत प्रेम हो गया। एक बार हमको भी हरा चुके सच्ची बात, सर्वत्र विद्यम का खेत पुत्रा छात्रात पराजयम, इनसे हार के भी हम गौरवान्वित हुए अच्छी बात। तो ज्ञान जो है अगर पवित्र नहीं है तो हमारे यहां परंपरा है, जानाति, ध्यान कर लेना आप लोग भविष्य के लिए, जानाति इच्छति और तब यतते। पहले ज्ञान होता है, ज्ञान से हमको पता चलता है कि ये वस्तु हेय है या उपादेय है। अगर हेय है तो उसकी परिहासा उत्पन्न होगी, और अगर श्रेय है तो उसके लिए ईहा उत्पन्न होगी। तो ईहा या जिहासा, इसका माने इसको करना है या नहीं करना है, इसके भी जब उदासीन रहना, इसके मूल में ज्ञान कारण है। ज्ञान पवित्र है तो आपकी इच्छा पवित्र होगी, और इच्छा अगर पवित्र है तो आपके कर्म और आपकी चेष्टाएं पवित्र होंगी। तो इसलिए आप पवित्र कर्म कर सकें इसके लिए आवश्यक है आप इच्छा को पवित्र करें। इच्छा को पवित्र करने के लिए आपका ज्ञान पवित्र होना चाहिए। तभी ज्ञान का मतलब क्या है? विवेक, नीर क्षीर विवेक, ग्राह्य और अग्राह्य का निर्णय। तो ये जो ज्ञान है, रिते ज्ञानान्न मुक्ति का, या किसी भी कार्य के लिए ज्ञान पहले मुख्य है। वो ज्ञान की प्राप्ति हमारे यहां निर्णय है। केवल और केवल
गुरु के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हो सकता है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। हमारे शास्त्र में लिखा है, गुरुम एव अभिगच्छेत श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। हम इसकी बहुत व्याख्या नहीं करेंगे, लेकिन इतना है, एवकार को आप लोग खास तौर से सावधान होकर श्रवण करना। कहीं से भी आपको ज्ञान प्राप्त हो, वो गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। गुरु माने ये सारे तीन हाथ का शरीर ही नहीं, ये तो है ही। गुरु माने व्याप्तम येन चराचरम, जो समग्र विश्व में व्याप्त है। सपूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात, आप लोगों ने श्रवण किया इस धरती पर, ईश्वर ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्ते। अरे माय डियर, तुमको अगर अपने गुरु पे श्रद्धा है, तुमको ज्ञान की अभीप्सा है, ज्ञान की अभीप्सा आवश्यक है, जिज्ञासा आवश्यक है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा। जिस दिन तुम में जिज्ञासा की उत्पत्ति होगी, आपको गुरु ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, गुरु तुम्हारे दरवाजे आके खटखटाएगा, माय डियर मैं आ गया, चलो तुम्हारी इच्छा की, तुम्हारी ज्ञान की पिपासा को संतुष्ट कर दो। गुरु सर्वत्र व्याप्त है माय डियर। अगर मकड़ी में गुरु के दर्शन हो जाते हैं, हमारे दत्तात्रेय भगवान ने यदुराज को सुनाया है, हमारे तीर बनाने वाले को में अगर गुरु के दर्शन हो जाते हैं, कुमारी कन्या में अगर गुरु के दर्शन हो जाते हैं, पृथ्वी में गुरु के दर्शन हो जाते हैं, अरे कुमारी कन्या तक में अगर गुरु के दर्शन हो जाते हैं, तो इसका मतलब कुमारी कन्या नहीं इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दुनिया भर के लोग उस कुमारी कन्या को देख रहे हैं। लेकिन जिसने सर्वत्र व्याप्त अपने गुरु तत्व का वहाँ अवलोकन किया, दर्शन किया, उसको कुमारी कन्या से कि ज्ञान हो जाएगा। भवेद वार्ता द्वयोरपि, संग से परित्याग का ज्ञान हमको प्राप्त हुआ, गुरु कृपा से प्राप्त हुआ, माध्यम वो कुमारी कन्या बन। अपने ही जाल में लोग कैसे उलझते हैं, मकड़ी के माध्यम से गुरु ने हमको ये सिखा दिया। तो आशय क्या है माय डियर, जो पूज्य योगर्षि जी महाराज हम लोगों को बता रहे थे, गुरु मृत्यु है। हम उन्हीं की बात को सुधार के कह देते हैं, गुरु जीवती है, जन्म है, तुम्हारा नव जन्म है, नूतन जन्म है, प्रणव है, प्रणव है, प्रतिक्षण जो नव नव होता है वही प्रणव है, वो गुरु का अनुग्रह है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्मा व्याहरण माम अनुस्वरम, जिन गुरु की कृपा से ये हमको प्राप्त हुआ, जिनकी सन्निधि मात्र से, जैसे गुड़हल के फूल की सन्निधि मात्र से स्फटिक में लौहित्य का प्रतिभान होता है, गुरु की सन्निधि से, गुरु के अनुग्रह से। और सन्निधि के लिए मैंने कहा ना, आप यहाँ तो आज बैठे हो, सन्निधि साक्षात प्राप्त है, अगर वहाँ भी आप गए और ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, इस प्रकार से गुरु के सामीप्य की अनुभूति आप करोगे, तो माय डियर मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ, हम कभी कभी गुरु से दूर हो जाते हैं, गुरु हमसे कभी दूर नहीं होते हैं, वो निरंतर हमारे। ये आपको अनुभूति बनी रहे, यही प्रसाद अर्पित करने के ब्याज से हम आप लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं। जीवन में आपकी बहुत सी समस्याएं आएंगी, उस समय गुरु की स्मृति, गुरु की कृपा तुम्हारे ज्ञान को पवित्र करते हुए आपकी इच्छा और संकल्प को पवित्र करेंगे, और तदनुसार आपका आचार, आपका कर्म, आपका व्यवहार, आपका आचरण, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। और जिसका जीवन मंगलमय है तो उसका मरण भी मंगलमय है। गुरु मृत्यु सिखाता है, गुरु जीवन मृत्यु को भी मंगलमय बनाता है। इन्हीं शब्दों के साथ उस परम गुरु तत्व को जो आज इस रूप में या
बहुतों के लिए तो तुम लोग भी गुरु हो माई डियर। एक दिया से जैसे दूसरा दिया जल जाता है, तो यद्यपि इस दिया की कृपा से ये दिया जला है, प्रदीप्त हुआ है, लेकिन इसकी कृपा से प्रदीप्त इस दीपक के माध्यम से न जाने कितने और दीपक प्रदीप्त होंगे। इनमें जो प्रकाश है भले गुरु का है, लेकिन माध्यम आप सब बनोगे। इसलिए अपनी उत्तरदायित्व को, अपनी जिम्मेदारी को समझो और तदनुकूल अपने आचरण और व्यवहार को संयत करोगे, इसका हमको पूरा विश्वास है। मैं पुनः आपकी समग्र जीवन की मंगल कामनाओं के लिए और आपका अपने गुरु के चरणों में अनंत श्रद्धा का आशीर्वाद और कामना करते हुए, कुछ महापुरुषों को वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूँ। इसके पूरे इन मुनिद्वय से और आप सबसे भी यहाँ से प्रस्थान करने की भी अनुमति चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण। पूज्य महाराज श्री ने आकर के हम सबके आत्मज्योति को, ज्ञान ज्योति को, अग्नि नाग्नि समिध्यते और ज्ञान जन्या भवेद इच्छा इच्छा जन्या भवेद कृति आदि जो हमारी परंपरा है उसको बहुत, उनके आने से ही सब कुछ आप प्रकाशित हो गए। पूज्य महाराज श्री को एक बार बहुत बहुत प्रणाम, हम सब की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन।